हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है आज के ट्रेन सिमुलेटर वर्ल्ड में। तो आज हम चल रहे कुछ हाई स्पीड ट्रेन चल रहे, तो ग्रैंथम टू डॉनकास्टर तक लेके जाना है। ओके, चलो आज की हाई स्पीड ट्रेन स्टार्ट करते हैं। भाई आज तो क्लाइमेट क्लियर नहीं है। मास्टर की ऑन, रिवर्सर फॉरवर्ड ऑन, ब्रेक रिलीज। पैसेंजर्स के लिए डोर ओपन कर लेते हैं अभी, दैट्स ऑल। और ये रहा आज का अपना ट्रेन। हेडलाइट्स ऑन, काफ़ी शानदार है ट्रेन ये वाली है। तो आज हम चला रहे हाई स्पीड ट्रेन, बट क्लाइमेट कुछ ऐसा है, स्नो गिर रहा है। आई थिंक विजिबिलिटी पे कोई असर ना हो। तो चलो, अभी हमारे पास एक मिनट है, तो सारे इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं ट्रेन के, और सब वर्किंग पे है कि नहीं। ओके, तो वाइपर ऑन करते हैं। ऑल मॉनिटर मॉनिटर ओके है। ओके, 10 पे रखते हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि जब ट्रेन हाई स्पीड पे रहेगी तो वाइपर की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। तो पैसेंजर्स आर चढ़ चुके हैं। ग्रैंथम टू डॉनकास्टर तक लेके जाना है ये हाई स्पीड ट्रेन, काफ़ी शानदार है। इसका लिमिटेशन क्या है? ओके, मैक्स स्पीड 125 माइल्स पर आर एंड किलोमीटर में 200 किलोमीटर्स, और एक कैबिन बी है। चलो डोर लॉक करते हैं, पैसेंजर्स डोर लॉक, क्योंकि टाइम अप हो चुका है। तो अब हम यहाँ से अभी डिपार्चर करेंगे। ऑल ब्रेक्स रिलीज एंड हियर वी गो। एक सेकेंड, ओके, थ्रॉटल, सिग्नल भी अपने को रीड करने के, अच्छे खासे सिग्नल रीड करने के हाई स्पीड पे। के पावर हैंडल 2 पे रख दिया है। ये रहा अपना आज का कंसोल, मतलब काफ़ी शानदार कैबिन है। चलो फर्स्ट सिग्नल रीड करते हैं। ग्रीन सिग्नल यहीं से दिख रहा है, एंड पावर अप। एक सेकंड, अपन ने डिस्टेंस देखा नहीं है कितना है। 47 माइल्स है, तो ठीक है, 47 माइल्स हमें कंप्लीट करना है। और टाइमिंग क्या है वहाँ पे डेस्टिनेशन का? 10:13 पे पहुँचना है। अभी हो रहा है 9:43, 10:13 को वहाँ पे हम आपको रीच करने का है। तो ओके, अपकमिंग स्पीड 125 माइल्स। ओके, फुल थ्रॉटल दे दिया है, स्पीड अप होगा धीरे धीरे। तो ये रही हमारी स्पीड, हम 90 प्लस है अभी फ़िलहाल, एंड
काफ़ी अच्छा है। और क्लाइमेट तो ठीक है, विजिबिलिटी पे इतना कोई डिफरेंस आया नहीं है। विजिबिलिटी मतलब हमें सिग्नल रीड आउट करने के लिए इजी हो रहा है, इतना हार्ड नहीं जा रहा है। ओके, टनल में हम एंटर करने वाले हैं। ओके गाइस, स्पीड लिमिटेशन हमें मिले 125 माइल्स। ओके, तो ऑलमोस्ट हम करीब है 120 के, तो हमें स्पीड पे भी ध्यान देना पड़ेगा। एंड थ्रॉटल थर्ड, तीन पे रखते थ्रॉटल और कम करते हैं। करंट स्पीड इज़ 122 किलोमीटर्स पर आवर और कम करते स्पीड, मतलब थ्रॉटल कम करते हैं, थ्रॉटल वन पे रखते हैं। लुक एट द व्यू गाइस, व्हाट अ अमेजिंग व्यू, काफ़ी शानदार है ये व्यू। देखो गाइस, पूरा स्नो से कवर है पूरा, मतलब सोच रहे हो स्नो कितना हुआ है। और एक सामने से हाई स्पीड ट्रेन क्रॉस कर रही है, क्रॉस कर रही नहीं, हो गया, ट्रेन क्रॉस हो गया अपने को। ओके गाइस, 42 माइल्स रिमेनिंग। ओके गाइस, बैक टू बैक दो हाई स्पीड ट्रेन हमें क्रॉस कर रही है पैसेंजर्स हाई स्पीड ट्रेन। एक सेकेंड, थोड़ा वाइपर की स्पीड बढ़ा लेते हैं। ओके, हो चुका है, इतनी स्पीड काफ़ी है। ओके, तो डबल येलो सिग्नल मिल चुका है, थ्रॉटल ब्रेक सप्लाई। ओके, ये क्या था, अभी तो येलो सिग्नल था, ध्यान देना पड़ेगा लगता है आगे कुछ आगे, मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ट्रैफिक हो सकता है। इसके लिए तुरंत लाइन क्लियर हो चुकी है, बट आगे जाके तो ध्यान देना पड़ेगा। पता चला आगे कोई ट्रेन है, उसको नेक्स्ट स्टॉप पे रुकना रहा तो। अगेन डबल येलो सिग्नल, वापस ग्रीन हो चुका है, बट हाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा सिग्नल पे, क्रॉसिंग हम क्रॉस कर रहे हैं। और एक क्रॉसिंग है, बैक टू बैक दो क्रॉसिंग है। ओके, तो थोड़ा अभी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसमें दो बार येलो सिग्नल मिल चुका है, डबल येलो पट वो हो चुका है कन्वर्ट, बट ध्यान तो देना पड़ेगा। पावर ऑफ करते थोड़े देर के लिए क्योंकि इतनी पावर इनफ है। देखो गाइस, आगे नहीं येलो सिग्नल, क्या हो रहा है भाई, लगता है कुछ ट्रैफिक है, लगता है ये लाइन पे ट्रैफिक है, मे बी शायद हो भी सकता है ट्रैफिक। अनदर वन येलो सिग्नल, तो मेरे को ब्रेक्स अप्लाई करने ही हो गया अभी फ़िलहाल, आई हैव नो ऑप्शन।
अभी रूल्स के हिसाब से डबल येलो सिग्नल मिल चुका है, मतलब उसके बाद तो सिंगल येलो मिल भी सकता है या फिर रेड भी हो सकता है। तो हम थोड़ा सा स्पीड अंडर कंट्रोल लाते हैं ताकि हमें अचानक सिग्नल एक्सपेक्ट नहीं किया था ग्रीन मिल जाएगा। तो सिग्नल है ग्रीन, मैक्स थ्रॉटल और चलो स्पीड अप करते हैं। 35 माइल्स रिमेनिंग और अभी भी अपने पास थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है, मतलब बोल सकते हैं 22 या फिर 25 मिनट्स रिमेनिंग। ओके तो हमें स्पीड रिस्ट्रिक्शन मिल चुका है 100 माइल्स का, लगता है स्टेशन स्किप करने के बाद 100 माइल्स आने वाले। हम 120 पे थ्रॉटल को ऑफ कर देते और देखते स्टेशन स्किप कैसे होता है। लो लाइन पे सेम हाई स्पीड ट्रेन खड़ी है गाइस, नहीं यार्ड पे पार के लगते हैं वो। और ये रहा हमारा स्टेशन जो हमें स्किप करने का था और हम अच्छे खासे स्पीड पे स्किप कर रहे गाइस, देखो स्किप भी हो चुका और सामने से सेम टाइम पे वो भी स्टेशन स्किप कर रही है पैसेंजर ट्रेन। गाइस मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ओवर स्पीडिंग हो चुका है, बट ठीक है इतनी स्पीड नहीं थी, स्पीड अंडर कंट्रोल। ओके 100 मिनी ब्रेक्स रिलीज। यार मैंने तो स्पीड पे ध्यान ही नहीं दिया, मैं स्टेशन स्किप कर रहा हूँ उस पे ध्यान दे रहा हूँ। मैंने सब सेट करके रखा था, थ्रॉटल विटल सब मैंने आइडल पे रख दिया था ताकि ब्रेकिंग के लिए इजी हो सके। ओके वापस हम थ्रॉटल देते हैं, स्पीड रिस्ट्रिक्शन खुल मतलब ख़त्म हो चुके हैं 100 की। देखो गाइस फिर से येलो सिग्नल पे है अपन, तो हम थोड़ा सा अगला सिग्नल रीड आउट करेंगे फिर वापस ब्रेकिंग के लिए अप्लाई कर देंगे। यहीं से दिख रहा है कि अगला सिग्नल है ग्रीन। यार क्या हो गया, सिग्नल फेलियर है क्या, कैसे क्या बार बार येलो सिग्नल मिल। अच्छा नहीं, सिग्नल फेलियर तो नहीं है, लगता है अपने सामने कोई आगे पैसेंजर ट्रेन चल रही है। हाँ वही है अभी।
ओके गाइस, फिर से येलो सिग्नल पे। यार क्या चल रहा है अभी। कभी कभी ऐसा लग रहा है कि फिर ये देखा वापस ग्रीन हो गया। एक सेकेंड थ्रॉटल कम करते हैं, ओवर स्पीडिंग हो रहा है, धीरे से कम करते हैं थ्रॉटल। तो अभी हमारे पास बचे 25 माइल्स और टाइम भी ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के आसपास बचा हुआ है। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है डॉनकास्टर पहुँचने के लिए। एक सेकेंड, मैंने टेम्परेचर पे ध्यान नहीं दिया, इधर क्या दिया, आउटसाइड टेम्परेचर -1। भाई क्या हो रहा है। ओके -1, आउटसाइड टेम्परेचर -1 है गाइस। देखा अभी मॉनिटर पे क्या बता रहे। हो भी सकता है यार -1, इतना स्नो गिर रहा है, इतना ये सब हो रहा है, तो -1 भी हो सकता है। ओके 23 माइल्स रिमेनिंग। हमने तो काफ़ी अच्छे खासे स्पीड मेंटेन की थी यार, फिर इतना कम टाइम कैसे क्या बच गया। अच्छा वो बीच में रिस्ट्रिक्शन आ गया था ना स्पीड कम करने का, तो उसके वजह से हो सकता है थोड़ा हमने ध्यान नहीं दिया अच्छे से। अब भी अपकमिंग स्पीड फिर से 115 115 की है, 115 माइल्स। तो ब्रेक्स ऑफ, मतलब उतना नज़दीक जाते जाते एटलीस्ट ऑटोमेटिक कम तो होगा स्पीड, ब्रेकिंग बार बार क्यों करने का। ओके धीरे धीरे स्पीड कम हो चुकी है, अभी करंट स्पीड 120 के नीचे आ चुकी है और अपकमिंग स्पीड है 115। अभी चल कितना रहा, 118, तो हो गया भाई स्पीड ऑटोमेटिक कम हो गया। ओके स्पीड रिस्ट्रिक्शन 120, अभी यहाँ से अपने को 120 की मिलने वाली है स्पीड। ओके और एक पैसेंजर ट्रेन हमें क्रॉस कर रही है। ये तो लगता 2 in 1 का लगता है, दोनों को कंबाइन करके एक पैसेंजर ट्रेन बनाया था शायद से।
ओके, स्पीड 120 की मिल चुकी है। और अब अच्छा, स्टेशन तो नहीं स्किप कर रहे, बट किसी स्टेशन को हम मेन लाइन से स्किप कर रहे हैं, क्या बात है। तो अभी अपना डिस्टेंस बच चुका है डॉनकास्टर प्लेटफॉर्म नंबर 8, 14 माइल्स का डिस्टेंस बचा हुआ है अभी अपने पास। तो देखते हैं 14 मिनट्स कितने मिनट में कंप्लीट हो, सॉरी 14 माइल्स, और बाय मिस्टेक, माय मिस्टेक, गलती से प्रोनाउंस मतलब हो गया। 13 माइल्स बचे हुए हैं, और धीरे धीरे देखो गाइस, क्लाइमेट थोड़ा सा मतलब डार्क था, बट अभी थोड़ा सा ब्राइट हो चुका है। ओके, डबल येलो सिग्नल, थ्रॉटल ऑफ, सर ग्रीन सिग्नल। देखा गाइस बाहर का क्लाइमेट कैसा हो चुका है, काफी मतलब अजीब क्लाइमेट हो चुका है थोड़ा बहुत। अचानक पूरा क्लाइमेट क्लियर हो चुका है, मतलब पूरा नहीं, विजिबिलिटी जो फॉग का था जब स्नो गिरता है, थोड़ा सा मतलब फॉग फॉग था, वो क्लियर हो चुका है अभी तो। ठीक है ना, अभी अपने को सिग्नल रीड आउट करने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 10 माइल्स बचे हुए, 10 माइल रिमेनिंग, और अभी भी अपने पास 10 मिनट बचे हुए हैं। अपकमिंग स्पीड 110, ब्रेक्स, ब्रेकिंग 110 की स्पीड मेंटेन करने की है, 110 की स्पीड मेंटेन। ओके, थ्रॉटल ऑफ हो जाएगा कम, 110 हो चुका है, 110 की स्पीड हमने मेंटेन कर रहे हैं अभी।
तो गाइस 7 माइल्स अभी भी बचे हुए हैं और टाइम भी उतना ही बचा है। ओके, तो हम डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हैं। अभी अपना बचा हुआ है 4.8 माइल्स रिमेनिंग। थ्रॉटल ऑफ। मतलब ज़्यादा लेट भी नहीं पहुंचा अपन, ऑलमोस्ट हम डेस्टिनेशन तक ऑन टाइम पहुंच रहे हैं। एज अ टाइम पे कुछ इतना इफेक्ट गिरा नहीं है। 3 माइल्स का डिस्टेंस अभी भी बचा हुआ है। अपकमिंग स्पीड। ओ अब भाई गलती से ब्रेक अप्लाई हो गए, 120 का है। तो हम थोड़ा सा भी पावर अप करते हैं, 125 माइल्स है ना, उतना स्पीड मेंटेन करते हैं ताकि ये जो मतलब फटाफट हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचे। तो गाइस सामने डबल येलो सिग्नल है। मेरे को नहीं लगता ये थोड़ा मतलब चेंज नहीं हुआ ग्रीन में, मतलब डेफिनेटली मेरे को रुकना होगा इसके बाद वाले सिग्नल। अगर ये सिंगल येलो मिल गया मेरे को, यह वाला सिग्नल अगर सिंगल येलो मिल गया मेरे को, समझ जाना भाई अगले सिग्नल पे रुकना ही पड़ेगा। तो ब्रेक्स धीरे से अप्लाई, मिनी ब्रेक्स अप्लाई करके रखते हैं। सिग्नल लूप लाइन पे मालगाड़ी खड़ी है, फ्रेट ट्रेन खड़ी है। ओके सिग्नल सिंगल येलो है, मतलब कि ब्रेक्स अप्लाई। ओके तो गाइस हम रखेंगे 47 माइल्स का स्पीड, मतलब अंडर 50 माइल्स रखते हैं ताकि सिंगल अगर येलो भी हुआ तो उतना स्पीड में हम निकल सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी हमें प्लेटफॉर्म पे जाके ही रुकने का है। थोड़ा और स्पीड कम करते हैं। येलो सिग्नल है, ब्रेकिंग, ब्रेक सप्लाई। ब्रेकिंग अप्लाई। गाइस अपने को यहाँ पे रुकना ही होगा। लेफ्ट हैंड साइड किसी लूप लाइन से येलो सिग्नल था, लगते किसी ट्रेन को मिला होगा। मिल गया अपने को भी सिग्नल। गाइस सिग्नल मिल चुका है। ट्रैक तो चेंज करने के अपन लगता है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे जाना है ना अपने को। उस प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे जाने का है। सामने प्लेटफॉर्म पे पैसेंजर ट्रेन खड़ी है, लगता है उसके बाजू वाला रहेगा, नहीं तो उससे बाजू वाला रहेगा। चलो देखते हैं, स्पीड तो कम ही रखने का है अपने को।
क्योंकि ट्रैक तो चेंज होने वाला है। गाइज हम प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आ चुके हैं। ये रहा अपना प्लेटफॉर्म नंबर 8 और काफ़ी बड़ा ही यार ये जंक्शन। सामने लेफ्ट हैंड साइड यार्ड है बड़ा सा, पैसेंजर्स ट्रेन खड़े है पार्किंग में पार्क करके, काफ़ी शानदार है। लुक एट द व्यू गाइस, लुक एट द अमेजिंग व्यू, मतलब काफ़ी शानदार है गाइस। अपने को रुकने का भी है। लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड से एक पैसेंजर ट्रेन निकल चुकी है अपने डेस्टिनेशन पर। ओके तो हमने ट्रेन रोक लिया है, अनलॉक द पैसेंजर डोर। तो गाइस आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। और आज का गेम प्ले इधर ही ख़त्म करता है, मिलेंगे हम नेक्स्ट गेम प्ले पे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और कमेंट और लाइक ज़रूर करना। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो पे।